जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता, ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के भुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोशो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य लक है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। हे भरत वंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती हैं, इसीलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, एक ही क्षण धीरज नहीं खोते,
विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियों खत्म हो जाएगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे और कोई रास्ता दिखाई ना दे तो एक बार भगवद गीता की शरण जरूर ले लेना। तो इसी के साथ यह वीडियो यहां समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।